आपदा में सदा वीर हंसते रहे, शान सम्मान अपना वो छोड़े नहीं, निज गुनहगार को भी क्षमा कर दिए, तार इंसानियत कब तोड़े नहीं, दोस्ती पृथ्वीराज से माहिल किया, हाल सिरसा गढ़ का बताया चली, इस समय किला में सिर्फ मलखान है, रानी गज मोती का लाव डोला बली। एक समय इतिहास आल्हा उदल, अपने भाई मलखान से नाराज होकर चले लन मोहबाप, सिरसा में मलखान अकेले रह गेल, और आल्हा उदल का मम्मा रहलम माहिल, ओ समय माही जाके पृथ्वीराज से दोस्ती किल, और कहलन कि महाराज फुटमत का फायदा उठा लप, आल्हा उदल नाराज होके अपने भाई से महोबा चल गिलन, और सिरसा में घेर के मलखान के उनके दुल्ही के उठा लिया होता था, मजा आ जात, बड़ा लगावेलन सब, पृथ्वीराज तैयारी किलन है, लेकिन तनी सब यह तनी सा या। हाँ। अरे सिर सागर के समर में डटे नौजवान, ताकत आजमाऊंगा आज मलखान का, समर में डटे नौजवान, ताकत अजमाऊंगा आज मलखान का, डोला गज मोती का लेके जाएंगे हम, तैयारी से सिरसा के घेर लेन, आवाज दे आज मलखान के दुल्ही गजमोती के उठा ले जब, लेकिन मलखान आवाज रहे का, अरे पानी के बिना जग में जिंदगानी वृथा है, की जवानी बिता है, चपला सा चमकता था मल खान का तेगा, है मर्द कौन लोहा जो फौलाद से लेगा, सिरसा वाले पृथ्वी को पे पानी का छोड़े है, भागे पिथौरा गह में जवान मैदान छोड़ के, ऐ भैया संगठन में उस शक्ति हो, सुना सुना, संगठन में उस शक्ति हो कि मलखान के आवाज पे नगरी का छोटका बड़का सब तैयार भल, अल्लाह खेत के पृथ्वीराज के सरहद पार करा धनन, और लेकिन वही लड़ैया में मलखान के एक तीर लग गई, भैया हो मलखान गिर गए धरती पर, नगरी वाले पृथ्वीराज के जब लखेत के लौटलन है तो मलखान के गिरल पौलन, उठा के ले महल में रानी गजमोती अपने पति के लाश दे के छटपटा के रोपड़न, लेकिन कैसे औरत के जिंदगी का चांद ओकर सिंदूर होला, तो आज सिंदूर ढो के
उर्वत बका रही ल हे रही ल चनवा कौने बदरा में लिख लिख पतिया महबवा पठवली सुतल देवर आल्हा उदल के जगवली अरे सज के महाबा से निकले जवनवा हे रैल चनवा कौने बदरा में रानी गजमोती अपने पति के लाश देख के रोत बा और हर माहिल जाके पृथ्वीराज से कहना कि महाराज जौने लड़ैया में भाग गए लोगन वही लड़ैया में मलखान के एक तीर लग गई और बड़ी अच्छी बात है कि ओदा का चूकल बात यदा बन जाए लेकिन कभी यहाँ पर दू लाइन बात कहलन है कि अरे सपावा के बीसु बढ़े दूधावा के पिया ले हो आपी पदा में बढ़ल मुदैया हो मितावा भेदवा सकल सिर सगढ़ के लगाई के हो और महिला किया जाके चुगुलैया हो मितावा ए भैया माहिल कह तो पृथ्वी राज से कि बड़ा अच्छा मौका है एवं सिरसा वाले सब मलखान के दुख में हुए लेकिन तर तरी सब मन करते कि हम बदल दी बदलना बदलना तर्जमा वो आ गई कि आप लोग सुनला कि हम बतौले रही कहवा का खैर चुनवा कहवा का पान कहवा का टिकुली लीलरवा मारे जान तब बुल्लू भी बतौलन के कहवा का गोहूं धान आ कहवा का वो खरीद मुसरवा मारे जान और एहरा के बतौलन कि एहरा का वो खरी ओनिये का वो खरी और पूछलन कि कहवा का तो कहना कि ओनिये का यानी क्लियर करके बतौलन है ये ना हो कि नहीं कोनो बात को मैं छिपावल जाओ क्लियर करके बतौलन ये कहलन कि रामदेव के अच्छा भी लगत हो आ ठीक भी लगत रहा ऐसा बात ना हो कि बेजा लगत रहा अच्छा लगत है पब्लिक के भी बढ़िया लगल लेकिन दो चीज दो तीन चीज और मशहूर बा का बाबा कि बॉम्बे का हीरोइन नामी अरे ठीक कर तू काम कर तू कुछ हाँ बहुत जरूरी है ये लोग का बुझे हम बुझे बॉम्बे का हीरोइन नामी अरे बनला का छोकरी बनारस कही जड़ा बनारस कही जड़ा उनके नगर पालिका से आदेश रहा ए भैया मशहूर होल का कि अरे बनारस कही जड़ा बम्बई के हीरोइन नामी और बंगला का छोकरी नामी वो बेग लेके टहरे ली चश्मा लगा के और का कि बॉम्बे का हीरोइन नामी हरे बंगला का छोकरी बनारस कही जड़ा जड़ावा मर हो सन बनारस कही नरसिंह भैया इंदारा से दिलन भैया के कोयलसा से प्रदान किए कोयलसा भैया के नमस्कार बा और बड़का भैया के भी बार बार नमस्कार हो के भगवान आपके सुखी रखे और रह गई बात के बाप आ राजू माना
कौन माहिर बतिया। आज महाराज माना अरे बोले माहिल बतिया कर तैयारिया कर तैयारिया बनी जाई बिगड़ल काम कर तैयारिया बनी जाई बिगड़ल काम कर तैयारिया बनी जाई बिगड़ल काम कर तैयारिया। महाराज जल्दी तैयारी करब आ यही मौका पर अगर चढ़ाई कदबा तो उदा का बिगड़ल काम एदा बन जाए। पृथ्वीराज कहलन कि तू हम माहिल ओदा ले गिला लखेदवा देला हमके ओदा लखेदवा देला हमके और एदा परी फिर वह बतिया कहत हुआ लेकिन तर्जमा तनी सा आ गेलु है का कि मोरे पिछवारा मोरे बलमुआ हो नीला रंग चुनरी रंग बोले पृथ्वी राज साथे दागवा कमाइला साथे दागवा कमाइला मोरे संगतिया हो मोरे संगतिया हो छतिया पदाल महू के खाइबा अपने भैने के खाइला अपने भैने के खाइला मोरे संगतिया हो छतिया पे दाल दर अइला। पृथ्वीराज कहे की खबर गलत हुई तो गर्दन काट ले। माहिल कहे की मंजूर हो लेकिन तैयारी कर ला एक खबर सच्ची लेके आ ली और उहर गजमोतीन पाती लिखत बा महोबा कि आप लोग नाराज होके चल गिला पृथ्वीराज अकेल पाए के हमार सुहाग लूट लेलन। पाती जब मिलल है महोबा उदल पाती लेके पढ़ लगलन कितना बलि हमार भैया मलखान मारल किसे गेलन हरे पानी में कैसे लागल अगिया झंखयाल हा उदल आवया पुरानी झंखयाल हा उदल आवया पुरानी पानी में कैसे लागल अगिया झंखयाल हा उदल आवया पुरानी घेर लिए पितवा के तरिया करके अचानक बैरी दल जयचंद के बेटा लाखन के याल्हा अगुआन बनाए हैं और लिख पत्रिका संधि के पिथौरागढ़ भेजवाए हैं। आल्हा उदल सच के चलन है पता लगा हुआ है जब बितवा नदी के तट पर पहुंचलन है तो पता लगल कि पृथ्वीराज भी चढ़ाई करेगा तैयारी में इन दल के भजन की जाप पृथ्वीराज से कहदा कि हमें अपने भाई क्रिया कर्म करे भर मौका दे एक बाद लड़ाई हो जाएगी। इन दल आगले पृथ्वीराज के सामने पृथ्वीराज कहला कि का हो अरे लड़ाई से हिम्मत छूट गई का अकेले आवत हो आप कहला कि हिम्मत ना छूटल बाप खाली एक शर्त हो कहे का आप आई तर्ज हो फिल्म बिहारी बाबू के वही तर्जमा कि राखी हर साल आवले सवनवा में लेकिन इंदल कहे पृथ्वीराज से कि लसिया दादा के पड़ल बा भवनवा में लसिया दादा के पड़ल बा सुमनवा में लसिया दादा के पड़ल बाबा कहनन की बहादुर आदमी हुआ एक बात कहना हो का अरे वीर पुरुष हो धोखा न करिए
युग निदान तक धीरज धारी तेगा बजिया जुझार फिर रनव में लसिया दादा के पड़ा लबा बनवा बहादुर आदमी हैं आप, यही कहना हो कि हमें अपने दादा मलखान के क्रियाक्रम करे भर मौका दाए करे बाद लड़ाई हो जाए। पृथ्वीराज कहलन की जा मंजूर हो, हम तो के अग्निदान तक के मौका देते। इंदल लवट कैलन आल्हा उदल इंदल सब पहुंचल सिरसा में, आज गजमोती अपने परिवार के देख के फिर से दोबारा बिलख उठल। लेकिन यहाँ भाबा मानी कल उठल से रोवत रानी फाट ही अरे आल्हा उदल से कहे रानी बतिया रखिया संहार मोरे जीवन कथतिया की टूट न पावे दुलरवा। रानी गजमोती कहलस कि आप लोगन के जोहत रही हमें आज अपने पति के साथ सती हो जाप, ये तो न कहना हो कि आप लोगन से बने तो अपने भाई का बदला ले ली हा, और न बने तो हमारे छोटा सा बच्चा है कि जिया दी अपने बाप का बदला चुका ले। इतना बाद जब रानी कहलस है तो आल्हा उदल झंख भर नया नवा बनावा बेधत आल्हा उदल झंख भर नया नवा बनावा बेधत बा समय पर भौजी के मेहनवा बनावा बेधत बा भाई की चिता सजाए हब छू के चरण गज मोतिन के चिता ऊपर बैठाए हब अरे दिए बहोरन बेटा अग्नि दनवा बनवा बेधत बाप आ धोखा कैला पृथ्वीराज छनवा बनवा बेधत बाप ए भैया जैसे ही चिता तैयार किरण मलखान के चिता पर गजमोतीन बैठल सती हुए देखे और तब तक पृथ्वीराज चारों तरफ से घेरा डाल देन मलखान का छोटा सा बच्चा बहोरन अग्निदान के लिए। लेकिन जब घेरा डाल देन पृथ्वीराज आवाज देन है कि हमारा वादा पूरा हो गया हम अग्निदान तक के मौका दिल रही अब लड़ाई हो जाएगी तेई। इतना जब आवाज देन है अरे झंखा बिना पंखावा का जैसे पखेरुआ मणि बिना फणी जैसे झंखा बार बार नहीं हाथे हाथिया बस आज पनिया लूटी हो दुनिया में सब कहीं ना पृथ्वी राज साथे धोखा कमाए ये तो जो कि भौजी के पकड़ ली है मुदाई अरे भुजवा का जोड़ा अरे होई है बेकार। सब लोग चिंतित हो गए कोई के हाथे हथियार नहीं बा और आवाज पृथ्वीराज हो गई कि लड़ाई होए के चाहिए। तब बोली गजब मोतिन तबा उदल बबुआ से सत का परीक्षा जाओ तब हमारा अरे चिता का लकड़िया उठा ला बलावा नवा। गजमोतिन चिता पर से आवाज रथ की खबरदार कोई चिंता मत करी आप अरे हथियार नहीं बा तो उठा ला चिता का लकड़ी आज वीरन के वीरताई का नहीं एक सती के सत का परीक्षा होगा। हरे बोली का जब मोतिन तबा उदल बबुआ से किस्त का परीक्षा आज हो तब हमारा अब चिता का लकड़िया उठा ला बलावा नवा अब तब ही के हाथ हवा होई तलवार अब तब उस लकड़िया तलवार होई दैली अब हिड़ी गया तनावा में पीरा ला जुझा अब खाता खाता ते गवा बंद हो जा बलाग अब नसीया से भारती पटला एक अब
भाऊजी से मार मार के खरिहान कर दिलन और पृथ्वीराज के उल्टी मुसुक चढ़ा के बनलन उदल लीलनगंज मोतीन के सामने कहलन कि आज मांगला माफी हमारे भौजी से नहीं तो आज गर्दन काट ले। गजमोतीन कहलस कि बस हो गई लेन करवाली, मर्दे का शान मारल जाला जान नहीं मारल जाता। इतना बड़ा वीर आज हमारे सामने उल्टी मुसुक के बांध के आ गेलन, बेबस हो गेलन, इनकर शान खत्म हो गेल और जल्दी इनके छोड़ दाय। उदल छोड़लन कहन की जाय तो के भौजी कहले छोड़ती, लेकिन एक बात याद रखी आप। कवन बात? एक फूल है तुम्हें कांटा बन के चुभी, कवन फूल हो कवन कांटा हो का? अरे चुभी बने क्या फूल आवाप तो है क्या हर दम कांटा वाप कि अब ही जिया तबा सुगा नवा मलखे कबे दवा। हार की चिट्ठी लिखवा कर बोले उधर उन्मादी, हंसी खुशी से हुई है एक दिन तुम्हारे घर पर शादी, दुलही ली है गवनवा मलखे का बेटवा। लचार हो के पृथ्वीराज सब सर तक ये मंजूर, मर्दानों से पाला पाते गर्भ हो गया चूर, आपन छोड़ल दुश्मनवा मलखे का बेटवा। रात तिलक दे मलखे सुद को लवटे घरे जवान, जैसे सोम सिंहासन ऊपर बैठे हैं मलखान, पूरा कैले यार मनवा मलखे का बेटवा। बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंडिका के भी बचन जी बने पुजारी, पानी में कैसे लागल अगिया राम जा रामा कभी का छलक कब जनुरानी, पानी में कैसे लागल अगिया।